गुड इवनिंग एवरी वन, सबैलाई मेरो नमस्कार, वेलकम टु अनदर ब्लग अफ माई च्यानल। र आजको ब्लग चाहिँ म हिन्दी अनि नेपाली दुइटा मिक्स गरेर गर्दैछु सो द्याट एभ्री वान क्यान अन्डरस्ट्यान्ड। अनि आज चाहिँ के गर्नु जाँदैछु भने अलिकति केस अलिक लामो लामो भएको जस्तो छ, सो म आज जा रहा हूँ हेयर कटिङ करवाने। नेल देख के आपको पता लग गया होगा कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, तो आप देख पा रहे होंगे स्ट्रीट लाइट जल चुका है और एक्चुअली मेरा हेयर बहुत लंबा हो चुका था तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। मेरा जो ऑफिस है ओनली वीकेंड में ऑफ होता है, तो मैं आई डोंट वांट टू वेट फॉर वीकेंड, तो इसलिए अभी टाइम भी है तो हेयर कटिंग करवाते हैं। तो मैं हेयर कटिंग करवाने यहाँ जा रहा हूँ। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड टॉनी एंड गाय, तो देखते हैं अंदर क्या है, आइए मेरे साथ। तो दोस्तों मैं अंदर आ चुका हूँ और आप जैसे कि देख रहे हैं दिस इज द रिसेप्शन एरिया। अभी हाल फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि रात का बज चुका है 8। ये इस प्लेस क्यों स्पेशल है मैं आपको बता दूं, ये जो थीम है पूरा मतलब एरोप्लेन जो होता है उसका थीम में बना हुआ है। तो तपाईँलाई देखाउँछु यूज द एरिया से, दिस इज लाइक कॉकपिट एंड यू कैन सी हियर दिस इज लाइक विंडो ऑफ प्लेन एंड so you can see here this place exactly resembles the cabin of the plane. तो चले आइए हेयर कटिंग करते र मेरो हेयर कटिङ भइसक्यो। तो आप लोगों को कैसे लगा बोल देना, थोड़ा कमेंट कर देना, बट जो मुझे लग रहा है इट्स वेरी गुड और खुश कर दिया भाई ने, अपना दिल जीत लिया। देखिए एकदमै हल्का भइरहेछ र मजाले काट्दैछ है, केश पनि मजाले मिल्यो। तो दोस्तों कैसे लगा हेयर कट जरूर कमेंट करके बताना, मुझे तो काफ़ी सही लग रहा है र तपाईहरुले पनि कमेंट गरिदिनुस् कस्तो लागेछ भनिदिनु। तो तपाईहरुसित आज बिदा पाऊँ यतिमै। See you on another vlog. Love you guys. Take care.